हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड मसाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिर से एक नई खबर लेके आए हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आजकल इंडिया में खाने के स्टॉल इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि हर कोई दूसरा इंसान खाने का स्टॉल लगा के खड़ा हो जाता है। और हो भी क्यों ना, आजकल खाने के स्टॉल के लोग इतने ज़्यादा फेमस हो रहे हैं कि हर जगह उनके प्रमोशंस भी हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन है जो कि इंडिया में 5 चेहरे सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो है नंदिनी गांगुली की। नंदिनी गांगुली जो कि एक फैशन डिज़ाइनर थी, इन्होंने अपना काम छोड़ के कोरोना टाइम में अपने पिता के काम में हाथ बटाया, जो कि इनके पिता का एक रबड़ का बिजनेस था। लेकिन कोरोना काल में वो बिजनेस बंद हो गया, जिसके बाद नंदिनी ने अपने पिता के साथ खाने का स्टॉल लगाया और ये इतना ज़्यादा फेमस हो गई, क्योंकि खाने के अलावा इनका ड्रेसिंग सेंस, इनका खाना देने का तरीका लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा, जिसके बाद तो इनके पास लोगों की भीड़ भी लग गई। इनके पास देसी खाना मिलता है, जिसमें कि दाल चावल, आलू का भरता, बैगन, मछली, चिकन, कढ़ी, करेला भाजी, आलू भाजी, हर तरह का खाना यहाँ पे आपको खाने को मिल जाता है। ये लोगों को इतने अपनेपन से खाना खिलाती है कि इनकी प्यार से और इनकी सुंदरता के चर्चे हर जगह होने लगे और दूर दूर से लोग इनके खाना खाने के लिए आते थे। तो ये थी नंदिनी गांगुली। अब हम बात करेंगे प्रियंका ग्रेजुएट चाय वाली। इन्हें कौन नहीं जानता है, इतनी जल्दी इतनी फेमस होने वाली प्रियंका ग्रेजुएट चाय वाली, जो कि बैंक की तैयारी कर रही थी। लेकिन जब बैंक में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तब इन्होंने अपने फैमिली का बिना सपोर्ट लिए अपने फ्रेंड के सपोर्ट से एक टी स्टॉल लगाया और इन्होंने एक कॉलेज के सामने ही अपना टी स्टॉल लगाया, जिसका नाम रखा ग्रेजुएट चाय वाले। उसके बाद से तो इनके पास चाय की इतनी ज़्यादा लाइन लग गई। ये एक चाय 10 रुपये का, 20 रुपये का देती है, जिसके पास इनकी काफ़ी सारी वैरायटी है चाय की, पान चाय, इलायची चाय, अदरक चाय और प्लेन चाय। और इनके सुंदरता के भी चर्चे हर जगह होने लगे थे। पटना से फेमस हुई ग्रेजुएट चाय वाली ने अब हर जगह अपने फ्रेंचाइजी बांटने लगी है और इनके पास खुद साउथ के स्टार विजय देवनकर इनसे मिलने के लिए आए थे, जिसके बाद से तो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई थी, इतनी फेमस हो गई थी कि इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी बांटने शुरू कर दी और अपने कई सारे स्टॉल भी पटना के अलावा अलग अलग शहर में भी खोलने लग गई हैं। अब हम बात करेंगे SP मोमोज वाली की। पी मोमोज वाली दिल्ली के मुखर्जी नगर में अपना मोमोज का स्टॉल लगाती है। ये दोनों बहन मेरठ की रहने वाली है, जिन्होंने मोमोज बेच के काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है। ये दिल्ली के मुखर्जी नगर में दोनों बहन माही और नैना हैं, जिनके पास पहले कोई नहीं आता था। ये वड़ा पाव दीदी से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे कि सभी कोई वड़ा पाव खाने जाता है, कोई इनके मोमोज खाने नहीं आता है। जिसके बाद इनके पास लोगों की इतनी भीड़ आ गई कि अब इन्होंने अपना स्टॉल भी बड़ा कर लिया है और अब इनके पास मोमोज की भी काफ़ी सारी वैरायटी है। ये थी दिल्ली की वो खूबसूरत SP मोमोज वाली, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और इनके पास लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है मोमोज को खाने के लिए। देसी खाना हो और उसमें कोरियन फूड ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आजकल लखनऊ की ये ज्योति काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है अपने कोरियन फूड को लेके, जो कि वियतनाम रोल्स खिलाती है, राइस पेपर रोल्स खिलाती है, और इनके रोल्स खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। ये सिर्फ डिफरेंट तरह का फूड ही नहीं खिलाती है, इसके साथ ये इतने प्यार से लोगों से बात करती है। इनका स्टाइल, इनके बात करने का तरीका लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और इनकी सुंदरता को देखते हुए भी लोग इनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। अब सुंदरता और खाने की बात हो और उसमें चंद्रिका दीक्षित का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित, जो कि मुंबई का मशहूर वड़ा पाव 50 रुपये में बेचती है, भाई इनका क्या कहना, इन्हें तो हर कोई जानता है। ये वड़ा पाव खिलाने के साथ साथ लोगों को अपनी कहानी, अपना दुख दर्द भी इतना ज़्यादा सुनाती है कि इनके पास मानो कि पूरा दिल्ली क्या, हर जगह से लोग दूर दूर से इनकी वड़ा पाव खाने के लिए आने लगे हैं और आखिरकार इन्होंने अपनी शॉप भी ले ली है। वड़ा पाव खाने के साथ साथ इनकी सुंदरता की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हो रही है कि लोग इन्हें अपनी दुकान पर रिबन काटने तक के लिए 50,000 रुपये दे रहे हैं। चंद्रिका दीक्षित आजकल दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है और आने वाले टाइम में हो सके तो आप इन्हें बिग बॉस में भी देख ले।
ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।